किसी बॉलीवुड सेलिब्रिटी की शादी हो तो पूरे देश की निगाहें लगी रहती हैं। एक एक डिटेल जानने के लिए फैंस बेचैन रहते हैं। मीडिया भी अपडेट जुटाने के लिए पूरा जोर लगा देती है। मगर आजकल रिवाज थोड़ा बदल गया है। जब भी कोई ऐसा मौका आता है, सेलिब्रिटीज फैंस और मीडिया के बीच हाइड एंड सीक यानी आंख मिचौली का खेल शुरू हो जाता है। कारण चाहे जो रहे हों, विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की 11 दिसंबर को इटली में शादी हुई, मगर शादी की तारीख की पुष्टि आखिरी वक्त तक नहीं हो सकी। इससे जुड़ी जो भी खबरें आ रही थीं, सब सूत्रों के हवाले से बताई गईं। अनुष्का या विराट के किसी परिवार वाले या प्रतिनिधि ने इन खबरों पर प्रतिक्रिया देने से मना कर दिया। अगर मीडिया के बीच ये खबर भी आई कि फला तारीख को उनकी शादी हो सकती है, तो अनुष्का के मैनेजरों की तरफ से उसका खंडन करवा दिया गया। जोरदार सस्पेंस क्रिएट किया गया। हालांकि शादी उन्हीं तारीखों में हुई जिसकी मीडिया में सुगबुगाहट थी। वेडिंग डेट को लेकर कुछ ऐसी ही आंख मिचौली शाहिद कपूर की शादी के दौरान भी हुई। दिल्ली की मीरा राजपूत के साथ शाहिद ने 2015 में शादी की, मगर शादी की तारीख को लेकर पूरा सस्पेंस बनाया गया। पहले सुनने में आया कि शाहिद 2014 के दिसंबर में शादी करने वाले हैं, फिर खबरें आईं कि जून में शादी कर सकते हैं और फिर 8 जुलाई की खबरें हवा में तैरी। वैसे विराट अनुष्का की शादी के सस्पेंस को देखकर आपको रानी मुखर्जी की शादी जरूर याद आई होगी। रानी की शादी को लेकर भी अटकलों का बाजार गर्म था, मगर इसकी पुष्टि नहीं हो सकी। 2014 में रानी ने आदित्य के साथ इटली के एक होटल में शादी की थी, मगर इसकी पुष्टि शादी मुकम्मल होने के बाद ही हो सकी। जॉन अब्राहम जब तक बिपाशा बसु के साथ रिलेशनशिप में रहे, उन्होंने अपनी निजी जिंदगी को खुली किताब की तरह रखा, मगर बिपाशा से ब्रेकअप के बाद जब वो प्रिया रुचल के साथ रिलेशनशिप में आए तो खुली किताब के सारे चैप्टर बंद कर दिए। जॉन और प्रिया की शादी की किसी को कानों कान खबर नहीं हुई। जॉन ने तो बाद में भी शादी की कोई डिटेल शेयर नहीं की। इसका खुलासा 2014 में तब हुआ जब जॉन ने ट्विटर पर फैंस को नए साल की मुबारकबाद दी। उन्होंने अपने नाम के साथ प्रिया का नाम भी जोड़ा था। 2012 में विद्या बालन ने भी मीडिया को खूब छकाया था। विद्या की शादी के वेन्यू को लेकर खूब असमंजस रहा। विद्या की शादी में बिन बुलाए मेहमान बनने के लिए मीडिया को काफी मशक्कत करनी पड़ी। हालांकि विद्या की शादी मुंबई में ही हुई थी,